ये है पूनम भाभी जो सब्जी बनाने के लिए तोड़ रही है पाथड़िया। हाँ तुम चलो धीरे धीरे, आ जाओ बस बहुत हो गया। तई मुझे तो ऐसी जगह ना बहुत सुंदर लगती है जहाँ पे भैंस वगैरह ये सब बनती है ना, ये भैंस का पीने का पानी, ये छोटा सा घर, ऐसी चीजें मुझे बहुत प्यारी लगती है गांव जैसी। हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग सोचे कि हाथ धो लेते, वो मम्मी ने वो तुड़वाए हमसे तो दूध दूध में बिल्कुल हाथ हो गए, तो हम जब तोड़ने आए ना हाँ पता है सारी भैंसे उधर ना रही, उस साइड ना रही सारी भैंस। और देखो आ सकते हो आप लोग भी घूमने जयपुर में, ऐसी जगह मुझे भी पता नहीं था, पहली बार पता लगा। ये बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे। हाँ मस्त लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है ये चीज, ये चीज ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है कसम से। ये ना करेले की, ये करेले की बेल है और भाभी ये डंडा लेकर आई है करेले चेक करने के लिए कि इसमें करेले है या नहीं। ये यार जुगाड़ू, ये भगवान है करेले। ये भाई भाभी जी हमारी डोन है, ये देखो कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है। करेले की बेल उगी कैसे फिर यहाँ पे? जंगलों में तो थी। अच्छा पहले हमने सागर लेक में एक चोरी करी है वो पत्तों की, अब भाभी जी बोल रहे करेले की चोरी करने के लिए, बट फाइनली भगवान जी चाहते थे कि हम चोरी ना करें इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। ये फूल निकाला है ना, फूल है बस, कुछ भी नहीं है, उगा नहीं है कुछ भी। भाभी जी बोल रहे थोड़े अभी फूल उगे थे, थोड़े दिन बाद में आ जाएंगे करेले, मतलब आएंगे पैसे लगा के, चोर नहीं यहीं पर ही आएंगे, दुकान से नहीं खरीदेंगे, भले कितने पैसे लग जाए यहाँ पे आने तक, चोर मतलब कुछ बोला था और आने में भले 200 रुपए लग जाए लेकिन 60 रुपए ना आने में इंटरेस्ट भी आता है ना। कसम से हमें बहुत मजा आ रहा है और सब लोग गाड़ी के पास जा चुके हैं, बट हम तीनों शख्सियत जो है यहीं पे खड़े क्योंकि हमारे जाने का मन नहीं कर रहा, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि हमारे जाने का मूड ही नहीं कर रहा, बट अब वो लोग वापस फोन कर करके बुलाएंगे, चलना तो पड़ेगा, बारिश का मौसम हो गया इसलिए ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत तेज लगती है। ये है ननद, ये है भाभी, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। आ गए, हो गई फोटो, चले तो खींच रही है ना वो, वाह इतनी सारी बकरिया ही बकरिया। आंटी जी आप इन्हें रोज यहीं पे चराते हो इन बकरियों को? आंटी जी थोड़ा सीरियस दिख रही है मुझे, नहीं हो? नहीं आंटी जी सीरियस नहीं, आंटी हंसने में फिसल जाओगी, धीरे चलो। भाई बहुत तेज बारिश आ चुकी है तो हम लोग भगते भगते जा रहे हैं, अब बारिश आ गई तो ये झरना भी तेज हो जाएगा क्योंकि ये भी कैसे नहीं आ रही आ तो, हाँ पेड़ के नीचे थोड़ी कम आती है तो थोड़ा रुकने के बाद जाएंगे। पुलिस भगा देती है, चालान काटती है, तो बारिश के मौसम का तो आप लोग प्लान बना नहीं सकते वहाँ पे जाने का क्योंकि जरा सी बारिश आती है और पुलिस वाले वहाँ से निकालना रवाना करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये लोग ये पुलिस पे भड़क गई, भाई मैंने इसको रोका है तो अभी हम जा रहे हैं आई थिंक प्रभातपुरी का खोला क्योंकि सागर लेक से तो हमें भगा दिया गया है बाय इज्जत। सागर प्रभातपुरी का खोला, बीच सड़क में गाड़ी लगवाई इस सड़क पे वीडियो बनाने के लिए, भैया 2 मिनट वीडियो बना लूं क्योंकि बारिश हो रही है और सुंदर सड़क भी है, तो फाइनली मेरा ये सपना पूरा हुआ ऐसे गीली भीगी भीगी सड़कों पे वीडियो बनाने का। तो अब हम जा रहे हैं प्रभातपुरी का खोला सागर लेक से हमें भगाते हैं इसलिए। बाय। हम आमेर की आमेर से निकल रहे बाहर दरवाजे पे आ गए।
अभी हम आए पन्ना मीना का कुंड। ये बेचारा हमारा भाई रह गया था, तो ये बेचारा हमारा यही, हम तीन लोकेशन घूम चुके हैं और ये हमारा यहाँ पे आके वेट कर रहा था, क्योंकि इसे कॉलेज में ना थोड़ा सा काम था, तो इसने बोला पहले वो खत्म करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें कोई भी फोर्थ लोकेशन पे थर्ड लोकेशन पे मिल जाऊंगा जैसे भी। तो अब मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ पन्ना मीना का कुंड, देखते हैं अंदर क्या है। तू देख कर आया अंदर क्या है? क्या मैं तो देखना चाहती हूँ, जेन्युइनली मुझे देखना है, मैं देखना चाहती हूँ पन्ना मीना का कुंड कैसा है। तो आगे जा अंदर जाके देखते हैं पन्ना मीना का कुंड कैसा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। ये भाभी जी ना है हमारी एनर्जेटिक हर चीज के लिए। ये है पन्ना मीना का कुंड यार, तो भी हाँ अपन को पागल बनाया जा रहा है। ये है पन्ना मीना का कुंड, क्या है यहाँ पैसा आगे मेरी बुआ की जोड़ी, ये इसकी और इसकी जोड़ी, ये उन दोनों की और वो आगे वालों की जोड़ी, मेरी और मेरे फोन की जोड़ी। हटो हटो मुझे दिखाने दो कुंड कैसा है यार। ये कोई पन्ना मीना, अरे मैं देखो देखो कछुआ कछुआ कछुआ, ये देखो कछुआ मछली भी देखो, मछली है, छोटी छोटी मछली। इस कुंड के अंदर आपको मछलियाँ भी मिलेगी, आपको क्या ये कछुआ भी मिलेगा, सब मिलेंगे सिवाय इंसान के, इंसान नहीं जा सकते ना इसमें नहाने के लिए, इसलिए यहाँ पे सब मिलेगा। बस यार मेरी मम्मी को ना हर जगह का डर ही लगता रहता है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, फिर घूमने क्यों आए भाई। दो लोग एक जैसे मिल गए, दो लोग ऐसे एक जैसे मिल गए। मैं हेलो तो कर दे गाइस को, थर्ड फोर्थ लोकेशन पर आया, तू भी कर लास्ट लोकेशन है क्या? अरे नहीं और छोटी जगह आ गए, फोर्थ पर आया, पता नहीं कहाँ जाएंगे, अभी तो तीन ही बजे हैं, मैंने पांच छह बोली थी तो अलाउड ही नहीं बताया ना। नहीं अभी भगा दी ना, पानी आ गया, बारिश आ गई, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बट बस यही है जो भी है, यही है इनफ, यहीं पर ही खत्म है, यहीं पर ही शुरू है। हाँ तो नहीं जा रही ना मैं, मम्मी बोल रही है मैं तुझे वापस कहीं भी नहीं जाने दूँ, क्योंकि तू तो ऐसे ऐसे जाती है ना, चलो दूसरी जगह चलेंगे। ये है कनक घाटी का टिकट काउंटर, प्रवेश शुल्क 40 रुपीज। ओके और ये है कनक घाटी के अंकल और ये है हमारी टीम। ये सब लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मैं सिर्फ छाछ पी सकती हूँ क्योंकि मैं खाना, अरे ये बारिश का पानी भी गिर रहा है क्या? ये सब लोग खाना खा सकते हैं, सिर्फ मैं इकलौती और वो जुगनू, हम दो लोग ऐसे जो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हमें फिर अगर खाना खा लिया तो हम कार में नहीं बैठ पाते। पहले पेट खराब मेरा तो उजी खराब हो रहा है कार में बैठने के कारण, मैं तो उल्टी हो जाए, इसलिए सिर्फ मैं देख सकती हूँ, खाना खा नहीं सकती। मम्मी को देखो सबसे अलग है, अपने धुन में खा लेती है मेरी मम्मी, ऐसा कोई एटीट्यूड वैटीट्यूड नहीं। और ये देखो मेरे को तो डाल दे मेरी माँ, वो पहले दे। अरे उसको भी छाट दे तो उसका जी खराब होता है यार। हम खाना खा लेंगे, ले पकड़ूं पकड़ा मेरी डाल दे तेरी जी पे मैं मन छाट दे। वहाँ पे ना सब लोग खाना खा रहे हैं और हम दोनों से देखा नहीं, आ जा तो कोई बात नहीं, आ जा। तो वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और हम लोगों से देखा नहीं जा रहा, इसलिए फिर हम लोग उठकर आ गए, पता नहीं फिर हम लोग उठकर आ गए। मैं कहा यार ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हम इकलौते ऐसे जो घर जाके खाना खाएंगे, बाकी सब लोग यहाँ पे बैठ के पिकनिक कर रहे हैं हमारा। अगर मैं बाइक क्या है उससे आती ना, क्या नाम है उसका, टैक्सी से, तो मैं खा सकती थी। क्यों अच्छा रुक जा, आज मैं आप लोगों को मेरे कान्हा जी दिखाती हूँ, वो रे मेरे जस्ट सामने है, बस गहरा नाला आ गया।